दोस्तों, रमजान का महीना आने वाला है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे मोमेडियन हैं, जो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं आज ये वैस्कुलर नेक्रोसिस से। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद रमजान में वे कैसे अपने बीमारी में अपनी दवाइयों को कैसे फॉलो करें, तो आज मैं उनके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप जरूर सुनिएगा इसको ध्यान से। जो पेशेंट रमजान में फास्ट रहते हैं उनके लिए, जैसे कि मैंने सुना है कि सहरी और इफ्तार दो चीज़ें होती हैं। मॉर्निंग में सहरी जो होता है उसमें आप लोग फास्ट को क्लोज करते हैं, तो उस टाइम पे आप जो भी खाते हैं 3 से 4 के बीच में वो आप खा लेंगे और उसके बाद मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। और रही बात इफ्तार की शाम की, तो आप शाम को जो भी आप 6:30-7 बजे के बाद जो खाते हैं उसके बाद आप मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली रिलैक्स रहें, कोई इशू नहीं होगा और आप अपना रमजान का फास्ट भी इजी रख सकते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।